हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव शर्मा। आप देख रहे हैं टेक स्मार्ट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फोन में दोबारा से जीबी व्हाट्सएप या यो व्हाट्सएप या आप कोई भी मॉडिफाइड व्हाट्सएप जो आप यूज करते थे उसे कैसे फिर से यूज कर सकते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल, आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आप बैन हो चुके हो फिर भी आप उसे यूज कर सकते हो। तो आप बैन हुए होंगे इसीलिए आपने छोड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्प्रेरी बैन लिखा होगा। बट लेकिन वो टेम्प्रेरी होता नहीं, वो एक तरीके से परमानेंट सा ही बैन हो जाता है, और इसको बाद आप दोबारा उसे यूज नहीं कर पाते। बार बार उस पर लिखा आता रहता है टेम्प्रेरी बैन, तो आप उसको यूज कर नहीं पाते। तो इस वीडियो आपको बताऊंगा कैसे आप उसको यूज कर पाओगे। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लेना। कर लेते वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है, और यहाँ पर आपको अपनी जो पुरानी चैट्स है उन सब का भाई स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना उन सब की चैट की। क्योंकि यहाँ पे पता है दिक्कत क्या है, इसके अंदर आपका बैकअप नहीं बन सकता। मतलब जो आपको इस चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ेगी अपनी पहले वाली चैट की, जो अभी तक आपकी चैट हुई थी, इन सब की आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर अपना या फिर स्क्रीन शॉट लेने पड़ेंगे, या फिर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ेगी, या फिर आप किसी को अपनी चैट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ आपको करनी पड़ेगी। मतलब आपको इनडायरेक्टली यहाँ पर आपको अपनी इस चैट की कुर्बानी देनी पड़ेगी अभी तक की जो हुई थी। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने इस व्हाट्सएप को कर देना है अनइंस्टॉल। तो आपका जो नॉर्मल वाला व्हाट्सएप है, जो आप ऑफिशियल वाला यूज कर रहे थे अभी तक, इसको कर देना है अनइंस्टॉल। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखने को मिल जाएगा, आपको उस लिंक पर जाना है। तो सबसे पहले चलते हैं उस लिंक पर, और यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड पे टैप करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे कर लेता हूँ डाउनलोड। ये होने लग गया मेरा डाउनलोड स्टार्ट। अब ये थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा, इतने में कट कर दूंगा वीडियो और आगे की दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया, अभी इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इंस्टॉल पर टैप कर दिया, इंस्टॉलिंग हो रही है यहाँ पे। तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या करना है, एक बार ये इंस्टॉल हो जाए जल्दी से। तो जल्दी हो जाएगा, तो ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद अब इसे ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे अपना कोड डाल देता हूँ। मैंने मतलब ऐप लॉक लगा रखा है, तो ये वो मैं कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर एंड कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू कंटिन्यू अलाउ अलाउ करते हैं, और यहाँ अपना फ़ोन नंबर वगैरह डाल देता हूँ। तो जब आप इसमें अपने कॉन्टैक्ट वगैरह यहाँ पे डाल दोगे, कोड वगैरह आ जाएगा, उसके बाद आपके सामने कैसा आ जाएगा, व्हाट्सएप वुड नॉट रन विदाउट गूगल पे सर्विस विच आर नॉट सपोर्टेड बाय योर डिवाइस। तो आप इसको ओके कर देना या फिर बैक कर देना। तो इधर मैं बैक कर देता हूँ, और यहाँ पर आप जैसे ही बैक करोगे उसके बाद आपके सामने ऐसा आ जाएगा। तो आप इधर नेक्स्ट वगैरह कर दे रहा हूँ, नाम वगैरह डाल दे रहा हूँ ऊपर। और फिर अभी मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ कि ये वही मॉडिफाइड वाला व्हाट्सएप है जो आप यूज़ करते थे, जीबी व्हाट्सएप या यो व्हाट्सएप, आप जो भी इसे बोलते हो। तो ये वही वाला व्हाट्सएप है, और इसके अंदर एक दो फीचर्स अच्छे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर ही। तो ये सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो चल रहा है अभी। तो यहाँ पर मैं नेवर करा, डन करा, और यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको कुछ इसके फंक्शंस बता दूँ जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। सबसे पहले यो प्लस में जाते हैं, और यहाँ पर आपको प्राइवेसी में देखने को मिल जाता है फ्रीज लास्ट सीन। तो आप इससे आपका जो लास्ट सीन है वो फ्रीज हो जाएगा, मतलब आप ऑनलाइन रहोगे तब भी किसी को पता नहीं चलेगा आप ऑनलाइन हो। सेकेंड अच्छा लगता है एंटी डिलीट स्टेटस। तो इसमें अगर कोई स्टेटस लगाता है और उसको 24 घंटे से पहले ही डिलीट कर देता है, तो वो बाकी लोगों के तो उससे हो जाएगा, बट आपको दिखता रहेगा। मतलब जब वो डिलीट कर देगा उसके बाद भी आपको दिखता रहेगा। तो एक आता है एंटी डिलीट मैसेज, जिसके अंदर जब कोई डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है तब भी आपको मैसेज दिखता रहेगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर, और सबसे अच्छा फीचर अब दिखाता हूँ बिल्कुल मस्त वाला। तो ऊपर जो वाईफाई का सा निशान दिख रहा है, इसके अंदर ये डी एन डी मोड। अगर आप इसे ओके कर दोगे ना, अगर आपका नेट भी ऑन रहेगा तब भी आप पे डबल टिक नहीं लगेंगे अगर आपको कोई मैसेज भेजेगा। मतलब कि आप पे डबल टिक नहीं लगने वाले हैं अगर आपका नेट ऑन रहेगा तब भी। तो ये चीज़ मस्त लगती है मेरे को, कि मतलब कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा कि आप पे बार बार मैसेज आ रहे हैं मैसेज आ रहे हैं। जब आप इसको ऑन करोगे दोबारा तभी आपके पास मैसेज आएंगे कंटिन्यू सारे। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर भी कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।